नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। लोकसभा चुनाव की बिसात दिलचस्प हो गई है। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली सहित चार बड़े नेताओं के भाजपा में शामिल होने के पीछे का कारण राष्ट्रीय नेतृत्व से नाराजगी है। आम आदमी पार्टी से गठबंधन और कन्हैया कुमार के रूप में बाहरी नेता व डॉक्टर उदित राज को आरक्षित सीट से चुनाव में उतारना इन पुराने नेताओं को पसंद नहीं आया। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि लवली और राजकुमार चौहान जैसे पुराने कांग्रेसी नेताओं का दूसरी बार भाजपा में शामिल होना पार्टी के अंदर बिखराव का बड़ा संदेश है। पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बाद दूसरी लाइन के यही नेता थे। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कांग्रेस आलाकमान ने जब से कन्हैया कुमार को उतारा था तभी से विरोध शुरू हो गया था। इसी तरह उत्तर पश्चिमी दिल्ली सीट से डॉक्टर उदित राज भी प्रदेश नेतृत्व को पसंद नहीं थे। पार्टी कार्यालय में विरोध प्रदर्शन तक हुआ। पार्टी में ही नया गुट उभरा, अपनी राय भी जाहिर की गई। बिना किसी सलाह के केंद्रीय नेतृत्व ने फरमान जारी करते हुए उम्मीदवार थोप दिए। कन्हैया कुमार अभी तक क्षेत्र में ठीक से सक्रिय नहीं हो पाए हैं। पुराने कांग्रेसी नेताओं का विरोध भी उन्हें झेलना पड़ रहा है। दूसरी तरफ चांदनी चौक के प्रत्याशी जेपी अग्रवाल जब नामांकन दाखिल करने पहुंचे तो उनके क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ अन्य पुराने कांग्रेसी नेताओं की भी कमी स्पष्ट रूप से देखने को मिली। इसी तरह कांग्रेस नेता महाबल मिश्रा के चुनाव से भी दूरी बनाए हुए हैं। गठबंधन के तहत चुनावी मैदान में उतरने वाले कांग्रेस प्रत्याशियों को आपके कार्यकर्ताओं का भी पूरा समर्थन नहीं मिल पा रहा है। उनकी चुनावी रणनीति ठीक से ना तैयार हो पा रही है और ना ही बूथ लेवल पर कार्यकर्ता सक्रिय हो पा रहे हैं। दरअसल उत्तर पूर्वी सीट पर लवली की नज़र थी और उत्तर पश्चिमी सीट पर राजकुमार चौहान की। इन्हें आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की राजनीति से यह भी डर सता रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनका राजनीतिक अस्तित्व कहीं खत्म ना हो जाए। दूसरी तरफ कन्हैया कुमार ही दिल्ली की राजनीति पर हावी ना हो जाए। पार्टी में शामिल होने के दौरान लवली ने स्पष्ट भी किया कि उनके जैसे कई कांग्रेसी नेता अपने शीर्ष नेतृत्व से गठबंधन को लेकर नाराज हैं। संभावना यह भी जताई जा रही है कि कई और नेता भाजपा में शामिल होने की तैयारी में हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।